भैया मेरे बात करवा। तो गाइस देखिए, इसमें से अगर आप लोगों का किसी का नंबर है ये, तो आप लोग प्लीज बता दीजिए, ऐसे सुबह सुबह फोन मत करा करें। 5 बजे फोन आ रहा है, तू तो नहीं कर रहा है। इसके अंकल है मेरे भैया है। Hey guys and welcome back to our vlog channel. तो सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी सो के उठा हूँ और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और आज हमारा देहरादून में एक मैराथन है जो कि ऑल ओवर देहरादून सब दौड़ने वाले हैं। तो हम मैराथन में जाएंगे, उससे पहले हमने सोचा है कि थोड़ा आप लोगों को एक मस्त सनराइज दिखा दें, तो आप लोगों को सनराइज भी दिखाएंगे। अभी सबको उठाते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि कौन कौन जा रहा है और फिर उसके बाद चलते हैं। चलो, तो अब्दुल को उठा लिया हमने, अब तन्मय को उठाना है, फिर माहिर और आर्यन और निम्रत। तो टोटल हम लोग 6 जने जाएंगे। पहले आपको सनराइज दिखाएंगे, फिर उसके बाद मैराथन दौड़ने जाएंगे। 10 लाख प्राइज है जिसका। पिछले 10 मिनट से तन्मय का वेट कर रहे हैं और पिछले 10 मिनट पहले उसने कहा था कि कुंडी खोल रहा हूँ। अब पता नहीं कौन सी जगह की कुंडी खोल रहा है, अभी तक नहीं आया और मुझे तो अभी भी दूर तक नहीं दिख रहा है। देखो मैं आपको दिखा, वो लास्ट में उसका घर है, एकदम लास्ट में, और दूर दूर तक नहीं, अभी तक निकला ही नहीं हो। ऐसे हरामी दोस्त बिल्कुल ना हो किसी के जो आपको 15 मिनट तक वेट करवाए। लाइट खुली छूट गई। ये देखो गाइस, ये ज्ञान दे रहे हैं कि 7 बज जाएंगे उठाते उठाते, खुद 20 मिनट लेट आए। मैं भाई जब ही आ गया था और मैं भी पहली कॉल में उठ गया था। मैंने तो 1 सेकंड में उठा लिया था, दूसरी कॉल में उठा। तो कौन दिखा मेरे बात करवा। तो गाइस देखिए, इसमें से अगर आप लोगों का किसी का नंबर है ये, तो आप लोग प्लीज बता दीजिए, ऐसे सुबह सुबह फोन मत करा करें। तो यहाँ पे आर्यन भी आ गया और माहिर, तन्मय और अब्दुल। हम अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियो बनाने से। तो बस एक बंदा और रह गया, निम्रत। निम्रत का घर यहाँ से 2 मिनट दूर है, उसे उठाएंगे और फिर उसके बाद सीधा आपको सनराइज, सीधा ऊपर सनराइज, भले ही ना मिले लेकिन दिखा देंगे। चलो, तो अभी हम ब्लॉग में सबसे पूछेंगे कि कैसा लग रहा है हमारे साथ चल के। अरे ना बताएंगे, बताइए। बस कट रही है तभी से। ये रेड है क्या सर? पहले बाल हटा के बात करो। अब बोलो। मैं कौन हूँ? मैं डॉक्टर। आज हम एक क्या टाइम हो रहा है? 5:30 बज गए हैं। ये अभी मैगी पॉइंट पहुंचे हैं। 5:30 बोला भाई मैंने। इसने बोला 4:30। गाइस व्यूज देखो। तो गाइज, हम जॉर्ज पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप, ये जॉर्ज है और यहाँ पे हमारे दोस्त की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, उल्टी कर रहा बेचारा। और हम सोच रहे थे आप लोगों को सनराइज दिखाएंगे, लेकिन लगता नहीं है सनराइज दिखा पाएंगे। बीटी हो गई गाइज, सनसाइन दिखा देंगे, सनसाइन दिखा देंगे आपको। और ज़्यादा नहीं है, जैसे 15 मिनट का रास्ता और बचा हुआ है, फिर उसके बाद 1/2 घंटे करीब पैदल चलना है। तो लगता नहीं है सनराइज देख पाएंगे, लेकिन जो भी जैसे भी देखेंगे आपको दिखा देंगे। तो हम अब जॉर्ज के यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ से ये उन्होंने बंद कर रखा है, यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती है, लेकिन ये जंगली जानवर कुत्ते जा सकते हैं। हमने गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी पार्किंग में। निम्रत भाई की तबीयत बहुत ठीक है एकदम, पूरे रास्ते एक बार भी रोकने के लिए नहीं बोला इसने और आर्यन ने, और माहिर ने तो बिल्कुल नहीं। ये देखो, अभी यहाँ से सीधा चलना है हमें 1/2 घंटा का पैदल, फिर उसके बाद आएगा जॉर्ज एवरेस्ट। अभी ये दोनों ऐसे दौड़ के आए थे जैसे पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, और देखो इनकी हालत, यहीं तक ही पहुंचे बस। हम सिर्फ 5 मिनट आए हैं, 5 मिनट भी नहीं आए हैं, और हम 4 बंदे ही आए हैं, अब्दुल और तन्मय। एक और बंदा दिख रहा भाई मेरे को, तो ये कौन है? अच्छा, ये दूसरे बंदे, ये लोग अलग ग्रुप के हैं। ये देखो, हम हमारे दो किए बंदे। देखो भाई लोगों, कुछ भी हो जाए उन लोगों को हमसे आगे नहीं जाने देना, ठीक है? ऐसे अधमेरी से शक्ल की हो रही है इतने लोगों की।
अरे फन फन तो हमें उड़ती उड़ती खबर आई है कि जहाँ से हम पैदल आ रहे हैं 10 बजे के बाद से पर बंदा 100 रुपए लेते हैं और ऊपर तक छोड़ते हैं पूरे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए 100 रुपए। पेमेंट ओनली जी पे, और पेमेंट ओनली जी पे, गूगल पे और फोन पे, अगर नेटवर्क ना चले तो कैश पे। और हम करीब करीब 500 मीटर आ गए, 500 मीटर और पहुंचने में, फिर 500 मीटर के बाद पहाड़ चढ़ना है वो अलग है। यहाँ पे सब थक गए हैं मुझे छोड़ के सही बोल रहा है, तन्मय का रिचार्ज खत्म हो गया है बेचारे के, फोन में कॉल नहीं आ पा रहा है। तो बहुत देर चलने के बाद एक कैफे सा दिखा था हमें, लेकिन ये भी अभी खुला नहीं है। हमने आवाज भी लगाया भाया, लेकिन कोई आया नहीं। तो जैसे कि आपको पता है तन्मय बहुत मेहनती लड़का है, कहीं पे बिजनेस का मौका नहीं छोड़ता है, तो यहाँ पे भी इसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। देखो 50 रुपीज और हम लोगों के लिए 5 रुपीज। थैंक यू ब्रो। तो गाइज ये जॉर्ज का म्यूजियम है, और ये अभी नया बनाया है जॉर्ज का नया फील्ड, और अभी हम वहाँ जाएंगे ऊपर। यहाँ पे एक दुकान खुली हुई है, तो भैया से भी कुछ सामान लेंगे खाने पीने का, फिर चलेंगे ऊपर। तो अब यहाँ पे हमने चाय और पानी वगैरह ले लिया है खाने के लिए, अब थोड़े से फ़ोटो खिंचाएंगे फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे। तो फ़ोटो खिंचाई है हमने थोड़ी, अब अच्छा व्यू आ रहा था, और अब चाय बन गई है, भैया बुला रहे हैं तो अभी चाय पियेंगे। इसके अंकल है मेरे भैया हैं तो अभी चाय पियेंगे और फिर चलेंगे आपको ऊपर लेके। भैया तेरा दर्द समझते हैं, भैया ने तेरे को कपड़ा दिया, अब चेहरा साफ कर ले। भाई तू हक भी रहा होगा ना, ये कैमरा खोल देगा देखो गाइस मेरा सही बात है। तो गाइस अब बस थोड़ा सा ऊपर जाना है, और यहाँ से 800 मीटर और है, और अभी हमने मैगी वगैरह खाया सब कुछ, और हैं सब कुछ दिखा दिया भाई। फिर ये देखो आप यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा है, और बस ऊपर चलेंगे अभी, आपको और प्यारी व्यू दिखाएंगे। सनराइज़ दिखाने का प्लान हमारा था, लेकिन वो हो नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से व्यू, ऊपर से व्यू और तगड़ी आएगी, आपको स्लोमो व्यू सब दिखा देंगे। वो है जॉर्ज का पीक, ये वाला जहाँ पे वो 2-3 बंदे आपको दिख रहे होंगे। तो अब ये रास्ता यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ से जाना है हमें, और पीछे काफ़ी दूर से आए हैं, और इन्हें ठंड, आपको ठंड लग रही है इन्हें ठंड लग रही है बहुत। तो बस पहुँचने वाले हैं, 5-10 मिनट में ऊपर पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं प्यारे प्यारे व्यू, लेट्स गो। ये रास्ता क्या है, बहुत प्लान है, ये रास्ता बहुत प्लान है ठीक है गाइस, ये रास्ता बहुत प्लान है और वो वाला रास्ता अनप्लान था। आप देख सकते हैं इकलौता मैं हूँ जो थका नहीं हूँ और बिल्कुल बैठा नहीं है, बाकी सब बैठ रखे हैं, देखिए गाइस, देखिए गाइस सब बैठ रखे, मैं ही खड़ा हो रखा हूँ गाइस। नेशनल प्लेयर जूते मारता था वो बच्चे में। तो बस अब 2 मिनट का रास्ता और रह गया, सब थक गए यहाँ पे काफी। मैं नहीं थका भाई, मेरा हर बार ले रहता है तन में नहीं थका, बाकी सब थक गए। और बस वो पीछे दिख रहा है, बस उसके ऊपर चल रहा है, चलो लेट्स गो। इस फाल्कनी फाइनली हम पहुंच गए जॉर्ज, और अभी 5-10 मिनट थोड़ा सांस लेंगे, फिर उसके बाद आपको पूरा व्यू दिखाते हैं, फोटोज दिखाते हैं, स्लोमोज दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। शावर डांस गाइस, इससे प्यारा व्यू नहीं हो सकता कहीं पर, अगर आप सुबह के टाइम आते हो सनराइज़ के टाइम, तो जॉर्ज से प्यारा व्यू कहीं पर भी नहीं है। अभी हम पूरा घूम के आए हैं, आपको ब्लॉग में दिख ही होगा सब कुछ अब तक, और अब हम चलेंगे घर की तरफ वापस, और वो लोग बहुत पीछे, काफ़ी पीछे हैं उस साइड, तो अभी वो लोग आ रहे हैं, हम थोड़े जल्दी जा रहे हैं,
फिर नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आपको अगर और कुछ भी करते हैं तो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुराग भाई अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवा रहे हैं। ये देखिए जो उन्होंने नई BMW ली थी कुछ दिन पहले गिर गई थी, तो ये वापस से रैप करवा रहे हैं उसमें, और वो भी आ खड़े हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है इनकी रैपिंग BMW। चलिए भैया